Union Minister for Home Affairs Rajnath Singh distributed the checks of enhanced compensation to the 1984 anti-Sikh riot victims and their kin at an event this morning. Delhi Lieutenant Governor Najib Jung, West Delhi MP Pravesh Verma and Delhi Chief Secretary D.M. Sapolia were also present at the event. 1 month ago, the government had denied taking any decision on providing additional compensation to the families of the victims. The move taken today has raised question about the timing of distribution of cheque as Delhi polls are to be held soon. जिस समय मैं चेक का वितरण कर रहा था, दृश्य बहुत ही भावुक था। मैंने कई माताओं और बहनों के आंखों में आंसू देखे। तीस वर्ष पहले जो वारदात हुई थी, उसका दर्द सामने से देखकर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उनकी आंखों में झांककर ही उस दर्द को समझा जा सकता है। और मैंने देखा कि वह दर्द आज भी उनकी आंखों में समाया हुआ है। मैं जानता हूं कि इस दर्द को हम दूर नहीं कर सकते। लाख या करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तब भी उस दर्द को दूर नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। कृष्ण नरसंहार को भारत की सभ्यता और भारतीय संस्कृति के ऊपर एक बदनुमा दाग मैं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सिख समाज के इतिहास को और अच्छी तरह मैंने अध्ययन भी किया है कि जब जब भारत की संस्कृति के ऊपर कोई संकट आया है तो अगली पंक्ति में खड़े होकर भारत की संस्कृति और भारत माता की रक्षा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख समाज के बहनों और भाइयों ने किया है। Powered by NNIS.